हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की क्लास स्पेशल क्लास है। आज की क्लास में कोई भी मैं टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाला हूं, लेकिन हाँ, ये क्लास स्पेशल क्लास इसलिए है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देता हूं, जितने भी हमारे साथ न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिए, डेली सुबह 4 बजे मेरे करंट अफेयर आते हैं इस चैनल पे, जिसका नाम है वरुण अवस्थी करंट अफेयर। ये एक स्पेशल चैनल है, बिल्कुल अलग से चैनल बनाया गया है मेरे द्वारा, जिस पर मैं डेली के सुबह करंट अफेयर आपको 4 बजे देता हूं। तो आप यहां पर करंट अफेयर फॉलो कर सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और सुबह 5 बजे यहां पर आपको इस चैनल में, जिसका नाम है वरुण अवस्थी, यहां पर आपको डेली की स्टैटिक जीके की सीरीज मिलती है। साथ में इसके अलावा जितनी भी मेरी क्लासेज होती है वो सब इसी चैनल पर आती है। इस वाले ऊपर वाले चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर ही देखने को मिलेंगे। आज हम लोग बात करेंगे हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। यहां पर अभी हम लोग ज्योग्राफी पर भी बात करने वाले हैं। ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ यहां पर आज हम लोग एथिक्स के बारे में बात करेंगे या इस तरीके की सिर्फ थ्योरेटिकल बातें करेंगे। आज यहां पर मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा जीएस जीके का फुल बैच चल रहा है, आप इसे फॉलो कर सकते हो, और डिस्काउंट कोड आपके सामने लिखा हुआ है Varun777। आप इसका यूज करके अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अभी बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, आप उन्हें अवेल कर सकते हो इस कोड की मदद से, और साथ में 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब देखिए, यहां पर बात करते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर क्या होता है। स्मार्ट वर्क आज की डेट में आपको करने की जरूरत है, हार्ड वर्क का जमाना चला गया। एग्जांपल के तौर पर भैया, अगर वो वाली बात करें तो आप लोग एक कहानी सुनकर बड़े हुए होंगे, कौए वाली कहानी, कि कौए को अगर खाली घड़े में अगर थोड़ा सा पानी पड़ा था, अगर उसको कौए को उस पानी को अगर पीना था तो वो क्या करता है, एक एक कंकड़ करके आके डालता जाता है, और पता नहीं कितनी देर के बाद घड़ा भरता है और उसके बाद कौए को पानी मिलता है। वो वाली स्टोरीज पुरानी हो चुकी है। आज की डेट का जो कौआ होता है, जिसको बोलते हैं शाणा कौआ, आज की डेट में देखो बहुत ज्यादा शाणा कौआ होगा तो वो कहां पे गिरेगा आपको पता है, लेकिन थोड़ा शाणा तो कौआ होना चाहिए ना। तो आज का कौआ स्ट्रॉ लेकर आएगा और सीधे घड़े में डालेगा और पानी पी लेगा। आपके पास भी वही वाला विजन होना चाहिए। लाइक यहां पे इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हो, ये व्यक्ति चला आ रहा है और दोनों हाथ इसके एंगेज है। बात आ रही है समझ? इस केस में वो आया और उसने बताया कि आप उसको स्मार्टली भी फॉलो कर सकते हो। उसने उसके ऊपर उस बेंच में वो सारा उसका वेट रख दिया, और जिसकी तरफ, एक ही तरफ पूरा वेट आ गया और वो आराम से उसे कैरी कर सकता है। खैर, ये तो बात हो गई थ्योरी की। देखिए, बात है स्मार्ट वर्क आप कैसे करोगे। स्मार्ट वर्क को करने के आपके स्टडी में कई सारे रूल्स होते हैं, जिसमें से ये 4 बेस्ट रूल है। पहला रूल होता है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल का मतलब यह होता है, यहां पर वो मत समझ लेना, डलहौजी वाली हड़प नीति की बात नहीं हो रही है। यहां पर डिवाइड एंड रूल का मतलब यह है कि जब आपको कोई भी बड़ा काम करना होता है तो उसको करने का बेस्ट वे यह होता है कि आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको अगर 2000 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, आप अगर अपनी कार से जा रहे हो, लगातार अपनी कार को आप 2000 किलोमीटर अगर चलाते रहोगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज उसके हो सकते हैं। पहली चीज, आपकी कार चाहे जितनी अच्छी हो, उसका इंजन हो सकता है सीज हो जाए, हो सकता है इतना गर्म हो जाए कि आपकी गाड़ी बंद हो जाए या फिर खराब हो जाए और मेंटेनेंस में और पैसा खा जाए। यह भी हो सकता है कि 2000 किलोमीटर तक आप लगातार चलते जाओगे, आपका एनर्जी लेवल इतना लो हो जाएगा कि एक टाइम वो आ सकता है कि हो सकता है रास्ते में आपको झपकी लग जाए और गाड़ी इधर उधर हो जाए और गाड़ी जाके कहीं से टकरा जाए। मतलब कहने का कि जब आप बड़ा काम एक ही बार में करने की कोशिश करते हो तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है। इसी तरीके से आपकी पढ़ाई है, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। आप ध्यान रखिए कि आप कोई छोटा गोल लेकर नहीं चल रहे हो, आप सरकारी नौकरी का गोल लेकर चल रहे हो। उसके लिए आपको जितना पढ़ना है आप एक बार में नहीं पढ़ सकते हो, आपको क्या करना है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इसी वजह से बोलते हैं ना, एक बार में पूरा नहीं खा लेना चाहिए, उतना खाना चाहिए जितना आप डाइजेस्ट कर पाओ। सिंपली यहां पर आपकी एजुकेशन के साथ भी है, आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ये माइंडसेट मत बना के चलो कि डेली हमें 10 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर 10 घंटे पढ़ाई करोगे, 4 दिन ही कर पाओगे, 5वें दिन बीमार पड़ जाओगे या फिर 5वें दिन पढ़ाई से मन ही हट जाएगा, आपको लगेगा कि पढ़ाई से ज्यादा बोरिंग कुछ नहीं है। लेकिन 10 घंटे ना पढ़ाई करके भले 5 ही घंटे पढ़ाई करो, पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा और आप धीमे धीमे आप जब इसको आगे राइम में लेते चले जाओगे तो आप देखोगे आपके 5 आवर्स कैसे 10 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। दूसरी चीज, मेक लिंक्स। जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ते हो या फिर किसी भी चीज को पढ़ते हो तो आप लिंक्स बनाने की कोशिश करो। एग्जांपल ले लेते हैं ज्योग्राफी का, क्योंकि इस टाइम पर मैं आपको ज्योग्राफी यहां पर पढ़ा रहा था। ज्योग्राफी में जैसे कि आप अगर रिवर्स करने जा रहे हो, तो अगर आप रिवर कर रहे हो तो रिवर करने के बाद पता लगा
आप कैपिटल करेंसी ना करने लगो या रिवर करने के बाद कॉन्टिनेंट पे मत चले जाओ। अगर रिवर कर रहे हो तो वहां पर लगे हाथ आप डैम्स भी पढ़ लो, क्योंकि जो बांध बनते हैं वो नदियों के ऊपर ही तो बनते हैं। और अगर डैम्स पढ़ रहे हो तो उनकी लोकेशंस भी पढ़ लो, कौन से राज्य में है। इस तरीके से जब आप लिंक्स बना के पढ़ोगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तीसरी चीज है मेक टेबल्स। कोशिश करिए कि जीएस में जितना भी डेटा आपको मिल रहा है, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, किसी का भी डेटा मिले, कोशिश करिए अगर आप उसे टेबुलर फॉर्मेट में ला सकते हो, मतलब अगर आप उसे टेबल की फॉर्मेट में ला सकते हो तो वो सबसे बेहतर डेटा होता है। आप उसे कंपेयर भी कर सकते हो। जैसे आप में से कई लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने भी मुझसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है, मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता में टेबल बना के दी थी पहले। तो वो टेबुलर डेटा जो होता है ना, वो सबसे जल्दी दिमाग में जाता है। और होता क्या है कि चार पेज का डेटा आप एक ही टेबल में लेके आ जाते हो और उसे एक ही बार में रिवाइज कर लेते हो। यहां पर चौथा जो तरीका है, ऑलवेज यूज मैप्स एंड पिक्चर्स। ज्योग्राफी में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने मैप यूज नहीं किया ज्योग्राफी में तो विश्वास मानिए आपने कुछ नहीं पढ़ा। ज्योग्राफी में मैप नहीं अगर आपने यूज किया है तो वो धीमे धीमे आपके ब्रेन से वैनिश होता चला जाएगा, वो उड़ जाएगा आपके दिमाग से, आपसे आपने चाहे जितना अच्छा पढ़ाओ। ज्योग्राफी में हमेशा मैप्स के ही थ्रू पढ़ें, चाहे रिवर्स हो, चाहे डैम्स हो, चाहे आपके कॉन्टिनेंट्स हो, चाहे आपकी माउंटेन रेंजेस हो, हर एक को आप मैप्स के ही थ्रू आइडेंटिफाई करें, वो चीज आपके दिमाग में हमेशा बैठी रहेगी। जैसे मैंने आपको परसों स्टेट्स पढ़ाया था, कल मैंने आपको स्टेट के साथ साथ कुछ कॉन्टिनेंट्स में मैंने लिंक्स आपको दिए थे, किस तरीके से यूरोप कनेक्ट हो रहा था आपका एशिया से, और अफ्रीका किस तरीके से एशिया से कनेक्ट हो रहा था, ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पर बताई थी ना लिंक करके। तो उस तरीके से मैप और पिक्चर के थ्रू लिंक करके पढ़ना सीखो। अब यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको यहां पर समझाने वाला हूं, समझिए। जो आपकी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में लोगों को पता ही नहीं होता है कि आप स्टडी कैसे करो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, उन्हें पता ही नहीं होता कि सर भूगोल में हम पढ़े तो पढ़े क्या, या फिर भूगोल कैसी है, कहां से पढ़ना शुरू करें, कहां पर एंड तक हम लोग जाएं। तो देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी जो है इसको थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। हम लोग इसको पढ़ने का तरीका कैसा मानते हैं, पहली होती है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी किसको बोलते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब यह है कि हम इसमें पढ़ते हैं कि ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ हमारी किस चीज से मिलकर बनी हुई है, अर्थ का क्रस्ट कैसा है और क्या क्या चीजों से, किन किन तत्वों से मिलकर ये हमारी पूरी अर्थ बनी हुई है, इसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। बात आ रही है समझ। अभी फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी क्या है। इंडियन ज्योग्राफी सिंपल वो ज्योग्राफी है जिसमें आप भारत के बारे में पढ़ते हो, भारत के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं, भारत के अंदर कौन कौन से प्लेटूज हैं, पठार कौन से हैं और माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं, भारत के अंदर किस तरीके की मिट्टियां पाई जाती हैं, ये सब आपकी इंडियन ज्योग्राफी है। इसी तरीके से जब आप पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हो और ओशियंस वगैरह इन सबको आप ऐड कर देते हो तो ये आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कहलाती है, जिसकी मैंने तीन क्लास अभी पिछली ली है। यहां पर आप सभी को बता देता हूं, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कॉन्टिनेंट वाली क्लास नहीं ली है, वो मैंने आपको तीन क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी की बना के दी है, वो तीनों क्लास पिछली आपको देखनी है। अगर आपने नहीं देखा तो विश्वास मानिए आपने कुछ नहीं देखा, बहुत बड़ा डेटा आपने मिस कर दिया। उन तीनों क्लास को आपको जरूर देखना है, साथ में एक क्लास मैं आपको कंपाइल करके भी वर्ल्ड ज्योग्राफी की फिर से देने वाला हूं। अब देखिए जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है, फिजिकल ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें आप यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, कैसे आपकी अर्थ बनी हुई है, या फिर आपके जो यूनिवर्स है उसमें क्या क्या है, किस किस तरीके से गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज में स्टार्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ग्लोब यहां पर पढ़ना होता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या क्या होते हैं। इसके बाद मोशन ऑफ अर्थ एंड क्लाइमेट, जो इसमें एक टॉपिक होता है जिसमें आप अर्थ के मोशन और क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हो, इसी को हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपका होता है इसको बोलते हैं रैम्स ऑफ द अर्थ, मतलब कहने का इसमें आप जोन्स, अर्थ के जोन और स्फेयर्स के बारे में पढ़ते हो, मतलब अर्थ के क्षेत्र के बारे में, एरिया के बारे में पढ़ते हो। इसके बाद बायोस्फेयर। अब देखिए ये जो आपका स्फेयर्स हैं, अर्थ के जो स्फेयर्स हैं, इसके कई सारे पार्ट्स हैं, इनको कई सारे पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहला आपका आ जाता है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर पता है क्या होता है, इसी को बायोज्योग्राफी भी बोला जाता है। बायोस्फेयर की खास बात यह होती है कि एक ऐसा एरिया जिसमें आपके हर तरीके के हैबिटेट आ जाते हैं, मतलब जमीन पर रहने वाले भी आ जाते हैं, पानी में रहने वाले भी पशु आ जाते हैं और आपके हवा में रहने वाले भी आ जाते हैं, इसको बोलते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में मतलब कहने का आपका इंसान भी आ जाते हैं, हाथी, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब आपके आ जाते हैं। साथ में मरीन हैबिटेट भी आ जाते हैं, जैसे कि मछलियां वगैरह और पक्षियां वगैरह, सब कुछ हर तरीके के हैबिटेट आ जाते हैं जिसमें, उसको बोलते हैं बायोस्फेयर।
इसके बाद लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर को हम लोग जियोमॉर्फियोलॉजी भी बोलते हैं। अब इसमें लिथोस्फेयर केवल उनको बोलते हैं जो कि जमीन में रहने वाले होते हैं, जैसे कि चूहा हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब जमीन में रहने वाले जानवर होते हैं, इनको लिथोस्फेयर, इस क्रस्ट को लिथोस्फेयर बोला जाता है। इसके बाद हाइड्रोस्फेयर किसको बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर आपके जितना भी आपका मरीन हैबिटेट होता है ये सब हाइड्रोस्फेयर में होता है, मतलब आपका जितना भी जल वाला हिस्सा है, पानी वाला हिस्सा है, उसको हाइड्रोस्फेयर बोला जाता है। फिर उसमें ओशियन भी आ जाते हैं, सी भी आ जाते हैं, रिवर्स भी आ जाती है, पॉन्ड भी आ जाते हैं। इसके बाद एक होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जाहिर सी बात है आप लोग बात करते हो ना एटमॉस्फेयर कैसा है, एटमॉस्फेयर का मतलब ये आपका एटमॉस्फेयर का मतलब है कि एयर क्लाइमेट कैसा है, एयर क्लाइमेट में कौन कौन से क्रस्ट होते हैं उसको आप पढ़ते हो एटमॉस्फेयर में। और एक लास्ट होता है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों, केवल 1% लोगों को पता होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रायोस्फेयर। क्या बोलते हैं? क्रायोस्फेयर। आपको पता है क्रायोस्फेयर क्या होता है? क्रायोस्फेयर हमारी पूरी पृथ्वी का वो हिस्सा है जहां पर पानी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और पानी सॉलिड फॉर्म में अगर पाया जा रहा है तो मतलब क्या है? बर्फ में पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी ग्लोब है, ग्लोब में जो नीचे अंटार्कटिका वाला जो रीजन है, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्रायोस्फेयर है। दुनिया में हर वो जगह जहां पर आपको ग्लेशियर्स मिल रहे हैं वो आपका क्रायोस्फेयर कहलाता है। और क्रायोस्फेयर में क्या जीव जंतु पाए जाते हैं? जी हां, वहां पर भी पाए जाते हैं, जैसे कि पोलर बियर, बर्फीले भालू आपके क्रायोस्फेयर में ही पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पर इसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। यहां पर ये जो टॉपिक्स हैं ये भी मैं आपको आने वाली क्लासेस में कराऊंगा। तो आज की बात मैं यहीं तक रखता हूं। उम्मीद करता हूं आपको कई सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी आपकी पढ़ाई के लिए और आगे आने वाली तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। कल सुबह 5 बजे फिर से मुलाकात होगी। आपका दिन मंगलमय हो।